नमस्कार दोस्तों, सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपके आने वाली एग्जाम रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और आरआरबी जी के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम 1000 जो है क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। प्रत्येक वीडियो में जो है आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, प्रत्येक वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने पर कहूँगा, आप अगर फॉर्म फिल किया है आपने एनटीपीसी ग्रुप डी या जी का, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी अक्षांशी रेखा जो है भारत को दो भागों में बांटती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्क रेखा। जी हाँ, कर्क रेखा जो है दो हिस्सों में जो है यहाँ पर बांटती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको जो है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और मैं लास्ट में आप लोगों को एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दूसरा देखिए क्या है कि लक्षद्वीप समूह निम्न में से किस महासागर में स्थित है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, लक्षद्वीप समूह जो है वो किस महासागर में स्थित है। ठीक है, तो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर। तो यहाँ पर जो अरब सागर है, ठीक है, अरब सागर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये अरब सागर में जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है। तीसरा है, हिमालय के किस भाग में जो है करेवा पाया जाते हैं। ठीक है, हिमालय का कौन सा भाग है जिसमें जो है करेवा पाया जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कश्मीर का हिमालय जो है यहाँ पर जो है करेवा पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि लोककट झील किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो केरल, उत्तराखंड, मणिपुर और राजस्थान। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने है। तो यहाँ पर जो लोककट जो झील है वो मणिपुर में जो है स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला देखिए, पाँचवा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से जो है कौन अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो है निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल, मन्नार की खाड़ी और अंडमान सागर। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने है। तो सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 10 डिग्री चैनल जो है ये आपको अंडमान निकोबार को जो है द्वीप समूह को अलग करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है आपको पूरे जो सब्जेक्ट है आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, आपका भूगोल, ज्योग्राफी और जो जितने भी आपके क्वेश्चन जिस मतलब टॉपिक से पूछे जाते हैं सभी के यहाँ पर इंक्लूड किए जाएंगे प्रत्येक वीडियो में। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, छठवा अगला है यहाँ पर कि निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में जो है दोदाबेटा चोटी जो है स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, दोदाबेटा जो है एक चोटी है उस कहाँ पर स्थित है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर नीलगिरी श्रेणी, अन्नामुलाई, ठीक है, कारंडम या फिर नल्लामला। ठीक है, तो यहाँ पर जो नीलगिरी श्रेणी है, ठीक है, नीलगिरी में जो है स्थित है दोदाबेटा। ठीक है, नीलगिरी की सबसे ऊँची चोटी है दोदाबेटा। ठीक है, अगला यहाँ पर बात करते हैं सातवें प्रश्न की, सातवां प्रश्न क्या है, निम्न में से किस नदी को बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सातवां क्वेश्चन देखिए, तो किस नदी को जाना जाता है, तो यहाँ पर कोसी नदी को जो है बंगाल का शोक के नाम से जो जाना जाता है। यहाँ पर इतनी भयानक एक समय बाढ़ आई थी कि जो है बंगाल में काफ़ी यहाँ पर अफरातफरी जो है मचाई थी। ठीक है, तो इसलिए जो है बंगाल का शोक इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत में जो है सबसे बड़ी नदी द्रोणी निम्न में से किस नदी की है। ठीक है, तो द्रोणी जो है मतलब जो सबसे बड़ी नदी द्रोणी किस मतलब किस नदी की पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके सामने ऑप्शन है सिंधु, गंगा, कृष्ण। ठीक है, तीन ही ऑप्शन है यहाँ पर। तो गंगा नदी जो है इसकी जो है द्रोणी सबसे बड़ी है। ठीक है, या फिर प्रवाह बोल सकते हो आप, ये इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो बढ़ते हैं, अगला है नौवां क्वेश्चन। ठीक है, निम्न में से किस नदी को जो है पंचनद में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो पंचनद में मतलब पांच नदियों का समूह, इसमें कौन सी नदी शामिल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंधु नदी शामिल नहीं है, तो बाकी रावी, चेनाब और झेलम, ठीक है, ये नदी जो है शामिल है। ठीक है, तो पंचनद मतलब पाँच नदियों का समूह, तो इसमें सिंधु नदी बिल्कुल भी शामिल नहीं है। ठीक है, तो सिंधु नदी इसका आंसर हो जाएगा। अगला दसवां क्वेश्चन देखिए क्या, निम्न में से कौन सी नदी जो है ब्रह्म घाटी से होकर बहती है। ठीक है, तो कौन सी नदी बहती है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने, सोन, यमुना, नर्मदा और लूनी। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर क्या पूछा है कि ब्रह्म घाटी, ठीक है, ब्रह्म घाटी से कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी जो है ब्रह्म घाटी से बहती है। तो सी विल भी राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर फिर से ग्यारहवा क्वेश्चन है। ठीक है, अगले 10 प्रश्न और देखेंगे हम। ठीक है, चारों ओर से जल से घिरे हुए स्त्री भागों को क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो जो भाग चारों ओर से जो है जल से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो खाड़ी, जलसंधि, द्वीप या फिर, ठीक है, तीन ही ऑप्शन यहाँ पर, एक ऑप्शन जो है छूट चुका है, तो यहाँ पर तीन ही ऑप्शन में बताना है आपको, तो द्वीप इसे कहा जाता है। ठीक है, चारों ओर से, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कोई मतलब जगह है और वो चारों ओर से जो है पानी से घिरी हुई है। ठीक है, तो ये इसे क्या कहा जाता है, इसे द्वीप कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है,
अगला क्वेश्चन है, तीन ओर से जल से घिरे स्थलीय भागों को क्या कहते हैं? ठीक है, तो दो अगर चार ओर से घिरा है तो उसे द्वीप कहते हैं, ठीक है, लेकिन अगर तीन ओर से घिरा है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तीन ओर से अगर कोई भाग अगर जल से घिरा हुआ है तो उसे प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, दो स्थलीय भागों को जोड़ने वाले प्राकृतिक रूप से निर्मित सकरे और नौ परिवहन योग्य जलीय भाग को खालिस्तान कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है इसको देख लेना है, दो स्थलीय भागों को जोड़ने वाले, ठीक है, दो स्थलीय भागों को जोड़ने वाले जो प्राकृतिक रूप से निर्मित और सकरे होते हैं, ठीक है, या नौ परिवहन का काम करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है जलसंधि। जी हाँ, जलसंधि जो है उन्हें कहा जाता है, तो जलसंधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा जो आपका 14वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से द्वीप समूह को सही रूप में जो है परिभाषित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन क्या है, एक वृत्ताकार प्रवाल भित्ति, ठीक है, से घिरी हुई, दूसरा आसपास के स्थित द्वीपों का जो मतलब समूह, या फिर जलसंधि द्वारा मुख्य भूमि को अलग मतलब हुआ स्थलीय भाग, या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, तो चार ऑप्शन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए गए, तो इसका जो बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसपास स्थित द्वीपों का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला था क्वेश्चन, एक बार फिर से देखिए कि निम्न में से जो है कौन द्वीप समूह को सही रूप में परिभाषित करता है। ठीक है, तो द्वीप समूह किसे कहते हैं कि आसपास के स्थित द्वीपों को जो है द्वीप कहा जाता है। ठीक है, जो मतलब अगर द्वीप अगर पास पास में है तो उसे द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप समूह कौन सा है? ठीक है, तो जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह बोला है, तो यहाँ पर जो इंडोनेशिया जो है सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ठीक है, यहाँ पर जो है अधिक छोटे छोटे द्वीपों को मिलाकर जो है एक बड़ा द्वीप जाता है, जिसे द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? ठीक है, द्वीप की बात कर लिया तो द्वीप कौन सा है, इंडोनेशिया। अब यहाँ पर बात आ रही है प्रायद्वीप की। ठीक है, तो प्रायद्वीप कौन सा है, तो यहाँ पर आपके सामने प्रायद्वीप क्या हो जाएगा, अरब प्रायद्वीप जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रायद्वीप में जो अगर बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा है, अरब प्रायद्वीप, और अगर यहाँ पर द्वीप की बात करें तो इंडोनेशिया इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वें नंबर का या फिर 17वें नंबर का कह सकते हैं आप, निम्न में से कौन सा दर्रा जो है पीर पंजाल, ठीक है, निम्न में से कौन सा दर्रा पीर पंजाल श्रेणी को टकराकर जो है मनाली व लेह को सड़क मार्ग के द्वारा आपस में जुड़ता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन सा रोहतांग दर्रा इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बिल का इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से दर्रे के सहारे जो है जवाहर सुरंग निर्मित हुई है। ठीक है, तो जवाहर सुरंग जो बनी है वो किस दर्रे से बनी है, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, बिनिहाल दर्रा जो है, बिनिहाल दर्रा इससे जो है जो जवाहर सुरंग बनी है बिनिहाल दर्रे से बनी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा दर्रा जो है नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर आता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, निम्न में से कौन सा दर्रा जो है नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर आता है। ठीक है, तो माना दर्रा जो है ये किसके अंतर्गत आता है, नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन क्या है देखिए, यहाँ पर 10वां क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, तो श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है, यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन कौन कौन से है कि माना दर्रा, रोहतांग दर्रा, नाथुला दर्रा, या फिर जो है जोजिला दर्रा। ठीक है, तो चार ऑप्शन है, तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। इसका आंसर जो है पिछले अगले वीडियो में जो है आप लोगों को बता दूंगा। आपको डेली की दो वीडियो अपलोड होगी, ताकि आपके जो है NTPC और GE के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो सके। दोस्तों, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा, इसका जो आंसर क्या हो सकता है। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और डिसलाइक भी कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन अपना रिस्पॉन्स जरूर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।